हे गाइस दिस इज फैट बैग वैभव। वैसे आपने फास्ट रेस तो कर ही होगी, लेकिन आज क्या करेंगे, हम थोड़ी स्लो रेसिंग करेंगे एंड थोड़ी टिप्स भी बताऊंगा मैं इस वाली वीडियो में। पहले मेरे साथ तीन लोग हैं यहाँ पर, दो हैं शायद सॉरी ऐसा, और दो लोग हैं यहाँ पे वाइपिंग ब्लॉग्स एंड आप रमनजोत सिंह मेरे साथ हैं एंड यहाँ पे वाइपिंग ब्लॉग्स हैं। तो हम रेस करने वाले स्लो रेस इसमें करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे एंड रेस को एंड करेंगे, देखते सबसे पहले कौन स्लो रेस जीतेगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा कैसे आप स्लो रेस जीत सकते हैं। इस रेस को रेफरी की जरूरत है, तो उस रेफरी के लिए हमारे पास कोई और बंदा भी है यहाँ पे मेरे साथ। तो लेट हो गया भाई साहब, कौन का लिया, लेट होने के बाद भी आगे मिला, इधर आ जाओ। तो ये हमारे रेफरी हैं, ये आज हमारी जो रेस है वो देखेंगे। अच्छा रेफरी, रूल्स क्या है, पैर नीचे नहीं रख सकते, चलना पड़ेगा, यूटर्न नहीं मार सकते और अपने ट्रैक से भी डिवेट नहीं हो सकते, ठीक है? आप बताएंगे कौन जीतेगा और आपको फिर सीटी मारनी है, और लड़की दिखे तो पिट जाना, हम नहीं पिटेंगे आपके लिए। गाइस फिलहाल हमने डिसाइड किया हम ये वाली रेस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये रही आपकी स्टार्टिंग लाइन। हैप्पी दिखनी थी, यही देख चीटिंग है भाई, ये दोनों नहीं सुधरने वाले, ठीक है? जो एंड रेस होगा हम वहाँ पे यहाँ पे एंड रेस करेंगे, ठीक है? ये तुम्हारी एंड रेस है, जो लास्ट में जीता है वो जीतेगा, यूडन हम नहीं मार सकते। अब सो रेस को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हमारे कालिया जी हमें असिस्ट कर रहे हैं, वो देखेंगे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। 3, 2, 1 स्टार्ट। पैर नहीं रख सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो स्टार्ट कर, ये ऐसे ही है, देखते कौन जीतता है यहाँ पर। इसका एक बार डाउन हो चुका है पैर उसका, मैं सबको देख रहा हूँ ना। अरे स्लो रेस है भाई, धीरे चलना है। यदु कैसे जीत रहा है, वो हार गया। चलो वो तो हार गया, अब यदु और मेरे बीच में रेस है। यदु बिना मतलब व्हीली मार गया, ये हो क्या रहा है, मैं जीत कैसे गया। चलो गाइस ये वाली रेस हम जीत चुके हैं, अब मैं आपको टेक्निक बताता हूँ रेस कैसे जीती जाती है। पहले मैं ये बता दूँ ये बिल्कुल अनबायस रेस थी, एंड ये अनबायस थी ना, तो रहने दे भाई, ये नहीं सुधर सकते यहाँ पर। तो अब मैं आपको थोड़ी सी टिप्स बताता हूँ स्लो रेस कैसे जीती जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपोनेंट को आप थोड़ा सा डीमोटिवेट कर सकते हैं। डीमोटिवेट करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका ये होता है, हार जाऊँगा नहीं वैसे वाला नहीं, इसको गुदगुदी करिए, देखो साइकिल गिरा दी इसने, इधर आ जा, कहाँ जा रहा है, इधर आ जा, आ जा, क्या हुआ। डीमोटिवेट करने का तरीका ये होता है, इसको गुदगुदी करो ये ऐसे, हाँ हाँ ऐसे ही करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो जब तक ये बंदा गिर जाएगा, ठीक है? तू मेरा कैमरामैन होगा। गाइस जो स्लो रेस होती है ना उसमें आपको सबसे पहले बैलेंस बनाना पड़ता है। अब स्लो रेस से कई रूल्स होते हैं, जैसे इस वाली जो रेस का रूल था वो ये था कि आपको पैर ज़मीन पे नहीं रखने हैं, जो पैर ज़मीन पे रखता है वो हारेगा एंड जो लास्ट में पहुंचेगा वो जीतेगा। सो ये रूल्स है इस गेम्स के। अब कई गेम्स में क्या होता है, आपकी ब्रेक्स भी हटाई जाती है, जैसे ये वाली जो ब्रेक्स हैं वो रिमूव कर दी जाएंगी तो आप ब्रेक नहीं मार पाते। एंड रूल ये भी होता है कि आप पीछे नहीं जा सकते। वेल और पॉइंट भी आते हैं, जैसे आपके टायर की जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ब्लो कर सकते हैं। कई लोग ये सोचेंगे कि स्लो रेस से फैट ब्रेक में जीत सकता हूँ क्योंकि थ्रेड पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, लेकिन मैं MTB में भी आराम से कर लेता हूँ ये। आप ऊपर एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा जो कि ट्रैकस्टैंड की वीडियो है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आराम से MTB में आपको ट्रैकस्टैंड करके दिखाया था। वो टेक्निक जैसे आप लर्न करेंगे ना तो आप आराम से स्लो रेस जीत सकते हैं। नाउ जब आप स्लो रेस करेंगे ना तो कोशिश करें कि आप खड़े होकर करें एंड आपको जो टायर है ऐसे करके बैलेंस करें। मैं क्या करता हूँ कि मैं बैठ के आराम से बैलेंस कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप कोशिश करके खड़े होएं, अपनी जो सीट है वो नीचे रखें एंड ऐसे करके हम स्लो रेस करें। एंड डरिए मत, थोड़ा थोड़ा करके आप आगे भी जा सकते हैं, आपके लिए कंपल्शन नहीं है। अब कई बार क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपको जो एनालाइज करनी पड़ती है दूसरों की साइकिल्स, आपके जो ओपोनेंट है वो कैसे साइकिल यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फैट बाइक है तो उसके टायर है थोड़े मोटे होते हैं, मेरे भी फैट बाइक है तो ईजी रहता है, ये वाली चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट है इसके लिए ऑपरेट करना। तो हम इसको थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, हमें कॉम्पिटिशन ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये हमारे कॉम्पिटिशन है, इनको हम आईज में देखेंगे, देखो आईज में इतना, तो ऐसे आप करके आराम से जो ओपोनेंट है उसको डरा सकते हैं ताकि उसका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा लूज हो जाए। बाकी सेकंड चीज़ ये है बैलेंस बना के, अब ऑब्वियसली आपको रखना है। अब बैलेंस बनाने की आपको टेक्निक बताता हूँ मैं। बैलेंस बनाने की होता है जब आपकी साइकिल लेफ्ट की तरफ जाती है तो आपको राइट की तरफ जाना है, राइट की तरफ आपकी साइकिल लगी तो आपको लेफ्ट की तरफ जाना है। अब कई लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं अपने जो हैंड्स हैं वो नीचे कर लेते हैं एंड इसकी वजह से आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, जैसे अभी मेरा बिगड़ा है। उसको बिगड़ने के लिए आपको हैंड्स सीधे रखने पड़ेंगे, अपनी हिप भी स्ट्रेट रखनी पड़ेगी। मैंने क्या बोला अभी, हिप भी स्ट्रेट रखना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हिप हमेशा जो होती है वही होती है। आपकी साइकिल लेफ्ट की तरफ जा रही है आपको राइट की तरफ करना है, राइट की तरफ जा रही है तो लेफ्ट की तरफ करना है, लेकिन जो आपकी हिप्स है उसको आपको मेंटेन करना है, आपको अपने शोल्डर्स को भी स्ट्रेट रखना है एंड हिप से आपका वेट एडजस्टमेंट करनी है। आपको ये नहीं करना कि पूरा लेफ्ट जाना है, आपको जो हिप है वही आपकी मूवमेंट है। ये थोड़ी सी टिप्स थी स्लो रेस जीतने की। अब हम फिर से एक रेस कर रहे हैं यहाँ पर, अब देखते हैं कौन जीतता है। मेरे साथ कालिया सर है, मेरे साथ यदु है एंड हम साइकिल थोड़ी चेंज करने वाले हैं बिकॉज आई थिंक कि आपको मोटी साइकिल ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। गाइज अगेन हमारी वही स्टॉप लाइन है, वही स्टार्ट लाइन है, फिर से स्टार्ट करते हैं स्लो रेस को एंड अब देखते हैं तुम जो टेक्निक जान चुके हो उसके बाद क्या हुआ है, ठीक है? 3, 2, 1 गो। ये तो हमेशा चीटिंग करता है मुझे पता है,
तो फिलहाल जो हमारे कॉम का लिए हैं मुझे लग रहा है वो जीतने वाले हैं। ये दो और मैं नेक टू नेक है। टेक्निक यूज करो, टेक्निक भाई, टेक्निक। ये टेक्निक वीली नहीं बोला था, कॉम का लिए मेरी रेस रह गई है फिलहाल। यस कॉम का लिए डिस्क्वालीफाइड। नहीं फिलहाल मैं जीत गया। ओके गाइस आपने देखा फिर से मैं जीत चुका हूँ। ऑब्वियसली मैं जीतना नहीं चाहता था, अंदर से मैं चाहता था दूसरा जीते, लेकिन फिलहाल ये डिस्कवर। अरे जो भी बोल रहे चीजें चेंज हो चुकी है। पैसे खिलाता हूँ। अच्छा कितना खाए तूने? स्प्रिंकल खाने के लिए। ये मोमोज खा रहा था पहले, मैंने बोला स्प्रिंकल खा ले। चिकन खाएंगे? चिकन नहीं खाना चाहिए बता रहा हूँ मैं तेरे को। तू चिकन खाता है? आप YouTube से कितना कमाते हो? और मेरे को भी अगर सेम कमाना हो तो इसके क्या तरीके? उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ। एक रोजधान ऐप आई है, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आपको उसके अंदर लॉग इन करना है। डेली के आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे आप रोज लॉग इन करेंगे आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे, कॉइन्स मिलते रहेंगे, एंड उसको आप कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपने पेटीएम नंबर डाल सकते हैं इसके अंदर, एंड आपको आराम से पे आउट मिलता रहेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनवाइट कोड है, यहाँ इनवाइट करेंगे 25 रुपीज़ मिल जाएंगे। किसी और को अगर आप लॉग इन करेंगे तो आपको 200 कॉइन्स मिल जाएंगे। ऐसे रोज़ की रोज़ आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। एंड इस पर आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे आप इसमें रेगुलर न्यूज़ आती रहती है, नोटिफिकेशन आती रहती है। जैसे ये वाली न्यूज़ है यहाँ पर, ये अगर आपको क्रिकेट की न्यूज़ है आप ये देख सकते हैं, एंड और भी न्यूज़ आपके साथ आती रहती है। तो फटाफट से इस जो एप्लीकेशन है आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड भी मिल जाएगा, एंड आप घर बैठे बैठे भी आराम से पैसे कमा सकते हैं। एंड कैसी लगी ये वाली ऐप? बहुत बढ़िया है। ये देखो इस कॉम काले को मैंने कहा था कि भाई साइकिल लेके आइयो, सिर्फ एक ही साइकिल लेके आया है, बाकी दो बंदे और आ गए हैं। ये कहाँ? पहले ये बताओ तुम्हारी साइकिल कहाँ है? साइकिल है ही का। साइकिल नहीं लाए हो? साइकिल है ही का। वाओ, आज ना जो वीडियो होनी थी वो स्लो साइकिल के बारे में होनी थी, ऐसे साइकिल की जरूरत होती है, हम तो स्लो पैदल नहीं जाने वाले। वाओ कितनी साइकिल है मेरे पास? 1, 2 और वो तीसरी भी मेरी है। इधर लाओ ना, इधर लाओ ना, आप शर्मा क्यों रहे? हम तो आपको सिर्फ टच कर रहे हैं। देख ना भाई सब शर्मा रहे हैं। आ जा मेरे डॉगी। फिर से बोलियो। क्या डॉगी शाह क्या बोल रहा था? मैं कह रहा था यो ब्रो, यो ब्रो डॉगी शाह। बता रहा डॉगी शाह, ये तो बहुत मालूम है तेरे को। हाय हाय यदु का नया भीम आ गया। आ गया ये विली साइकिल, सामान पे जाएगा मेरे। कितनी साइकिल है ये? 7,000 रुपीज़ की साइकिल है। 2 लाख रुपए की है? 2 लाख की नहीं है ये, 7,000 रुपीज़ की है, और 500 रुपये पेंट का, 7,500 रुपये। देखा कितनी महंगी साइकिल लेके घूम रहा हूँ मैं। और कैमरा? कैमरा भी बस 10-15 हज़ार का है। उस पे कैमरा लगा हुआ है। उससे महंगी ये बॉटल है। फिलहाल ये तो पंगे ले रहा है किसी से। चलो गाइस हम थोड़ी सी व्हीली कर रहे हैं, कॉम का लिया मी एंड वाईपीएम गो। यार नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है हमें व्हीली की रेस भी करनी चाहिए, फटाफट से कमेंट करके बताओ। ओहो मार दे मेरे को, तू मार दे, जिंदा मत छोड़ मेरे को आज। क्या करूंगा मैं जिंदा रह के? टिंडर का क्या होगा? टिंडर का टिंडर नहीं यूज करता मैं। हाँ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इसकी और भी वीडियोस चाहिए आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको और भी टेक्निक्स देखनी है, जैसे आपको रेसिंग की टेक्निक्स देखनी है, कैसे फास्ट रेस कर सकते हैं, तो उसके लिए भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ऑफ रोड की वीडियो भी लाता रहूंगा। दिस इज वैभव साइनिंग ऑफ।